हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि माइक्रोटेक यूपीएस जो ऑनलाइन होती है उसमें आने वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है वो नंबर के थ्रू आती है, कोड के थ्रू आता है और उसका मतलब हमें समझना पड़ता है। अगर उसका मतलब हम समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही में देखेंगे कि इस पे जो लोड देते हैं कैसे लोड दिया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है, क्लोज कैसे किया जाता है और इसका आउटपुट कैसे सेलेक्ट किया जाता है। साथ ही में देखेंगे कि अगर डीसी में चल रहा है उसको एसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एसी पे चल रहा है तो उसको डीसी पे कैसे, मींस डीसी मींस बैटरी पे कैसे लाया जाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। बात वही होगी जो आप चाहेंगे, मोदी जी तो हूं नहीं कि मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये माइक्रोटेक का हमारे पास ऑनलाइन यूपीएस है और इस पे यहाँ पे कुछ डिस्प्ले कर रहा है। इससे पहले हम लोग इसके नेम प्लेट को देख लेते हैं कि इसका नेम प्लेट पे क्या दिया है। जैसे पीछे के साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स आपको में भी मिल जाएगा। जैसे बता देता हूँ आपको, 2 KVA का है, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए, इनपुट सप्लाई देते हैं जो हमारे पास एसी से आता है जिससे हमारा पीएस चार्ज होता है और जो भी आउटपुट होता है वो यहाँ से आउटपुट आपको दिखा रहा है। जो ये सब पॉइंट दिया है वो आउटपुट का है। इसमें जो बैटरी है इन बिल्ड बैटरी है तो इसमें आपको बाहर से कोई भी बैटरी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इसके बाद से अगर आप बात करें हम लोग इसका, देखिए नेम प्लेट का, जैसे साइड में नेम प्लेट इसका दिया हुआ है, मैंने पहले देखा नहीं नेम प्लेट इसका, तो इसका देखिए साइड में नेम प्लेट दिया। जैसे यहाँ पे यूपीएस 2 KVA का है, सिंगल फेस है, 72 वोल्ट इसका बैटरी है, मॉडल नंबर दिया है, आउटपुट जो दिया है वो भी सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा, ठीक है। अब इसके हम लोग आने वाले, जैसे मैं इसको कैसे स्टार्ट करते हैं ये चीज़ को देख लेते हैं। जैसे ऑनलाइन रहेगा मीन्स आप पावर ऑन रहेगा उस समय जो हमारा यूपीएस रहेगा वो इस टाइप का शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये बैटरी के थ्रू अभी मीन्स एसी सप्लाई के थ्रू कनेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा है कि इनपुट दिया है 234 वोल्ट एसी है, आउटपुट में आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे अभी इसको ऑन नहीं किए हैं। ऑन करने के लिए जहाँ पे देखेंगे कि 3 बटन्स दिख रहा है आपको, एक ऑन और म्यूट है, सेलेक्ट है, ऑफ और इंटर है। इसी के थ्रू हम लोग सारे इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल में इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए इसको प्रेस करेंगे ऑन बटन को, तो यहाँ पे बीप करेगा, उसके बाद से आपको ऑन का शो कर दिया, फिर आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अभी जो चल रहा है देखिए, ये डीसी पे चल रहा है और ऑटोमेटिकली टाइमर सेट है इसमें। देखिए टाइमर के थ्रू में ये डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारे पास एसी यहाँ पे आ गया वोल्टेज 234 वोल्ट एसी और आउटपुट में भी हमारे पास 230 वोल्ट एसी निकल रहा है। आपको कैसे स्टार्ट करना है ये तो हो गया। अब मीन्स मान लीजिए कोई भी सिलेक्शन करना है, कुछ भी सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट बटन दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिलेक्ट बटन पे प्रेस करना है तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो देखिए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे दिया डीसी वोल्टेज कितना है वो दिया है और यहाँ पे एसी वोल्टेज है। अब इसका कुछ हिडन फीचर है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूपीएस को ऑफ करना पड़ेगा। जो यूपीएस को ऑफ करने के लिए यहाँ पे जो है प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूपीएस अभी बंद हो गया। जैसे मैं आउटपुट में आपको कुछ भी शो नहीं करे तो उस समय आप समझ जाइएगा कि यूपीएस आपका बंद है। और जो इनकमर साइड में है, जैसे दिखा रहा है ये सब बैटरी का स्टेटस दिखा रहा है कि बैटरी जो अभी है फुल है और लोड के साइड ये रहता है, मीन्स यहाँ पे जैसे यूपीएस स्टार्ट होगा तो लोड जैसे देंगे वैसे वैसे इसका जो खूंटी है वो फुल होते जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऑफ करने के बाद से जो ये सिलेक्ट बटन है उस पर हम लोग प्रेस करेंगे, तो प्रेस करके रखेंगे तो कुछ हमारे पास यहाँ पे देखिए जो पहले दिखा रहा था वही दिखा रहा, पर इसको अभी क्या है कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे। कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, जैसे 0-1 आ गया, आउटपुट में क्या है वो दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बटन है ऑफ का है, ये डाउन का है और ये इंटर का है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें क्या चाहिए, आउटपुट में 230 वोल्ट चाहिए, अगर इससे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो उसको क्या है कि यहाँ पे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ ब्लिंक करेगा और अप डाउन करेंगे तो उस समय यह चेंज हो सकता है, इंटर फिर बाद में प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में हम लोग देख देखते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आउटपुट में फिर ज़्यादा देर तक हम लोग ऐसे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली बैक आ जाता है, तो फिर से इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद से इसको देखेंगे। जैसे ऑफ करेंगे साइड में, ऑफ के साइड में तो देखिए स्किप आ गया, इसको मीन्स कुछ भी नहीं, 0 है, स्किप होता है।
जैसे ये हो गया टाइमर है, टाइमर मींस आप कितना सेट करना चाहते हैं, 999 सेकेंड तक है, और यहाँ पे देखिए ये मिनट दिया है तो ये मिनट है, सेकेंड होगा तो सेकेंड होगा, ये टाइमर अगर सेट करना चाहे तो आपको टाइमर सेट हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए डाउन हो 10,000 आप इंटर प्रेस कर देंगे तो वो प्रेस करने के लिए उसके बाद से यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये टाइमर सेट करने के लिए आ जाता है, चेंज करने के लिए नहीं करना है, ओके कर दीजिए यहीं पे। उसके बाद से 11 नंबर पे भी हमारा टाइमर ही है, उसके बाद से हम यहाँ पे 10 नंबर पे है देखिए, उसके बाद से ये भी अपने काम के नहीं, ये डिस्प्ले का 9 नंबर का ये भी नहीं। अपने को इनपुट देखिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितना चाहिए वो दिया है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना चाहे तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है देखिए वोल्टेज है 260 तक का है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जितना चेंज करना चाहें, मींस उसके बाद ऑटो कट हो जाएगा। ये उसके बाद से इनेबल और डिसेबल करने का है वो चीज़ें का है। ये इनपुट जो है एसी वोल्टेज है, एक और सेटिंग है, ये जो कट करने का पॉइंट है उसका है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को आउटपुट में कितना हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी चाहिए, फिर यहाँ पर आउटपुट का फ्रिक्वेंसी आ गया। उसके बाद से यहाँ पे इसका मुझे आइडिया नहीं ये क्या कह रहा है। फिर आउटपुट में वोल्टेज हमें कितना चाहिए, 230 चाहिए तो 230 यहाँ पे सेट है, अगर उससे कम चाहिए ज़्यादा चाहिए तो उसको भी इंटर हम लोग प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्किप कर लेंगे और हम लोग बाहर आ जाएंगे। उसके बाद बाहर आने के बाद से इसको क्या है कि हम लोग इंटर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस चीज़ों को हम लोग यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ऑन करेंगे जैसे ही तो ये ऑन होगा, दिखा दिया, फिर शुरू से प्रोसेस जो आ गया वो हो गया। ये तो हिडन फीचर था। अगर इसका बात करें हम लोग अलार्म आने का, तो अलार्म आने के लिए देखिए जो यहाँ पे है कुछ अलार्म्स आता है, जैसे मैं आपको आ जाएगा मान लीजिए 14, ज़्यादातर 14 किस चीज़ का होता है कि यहाँ पे 14 अगर शो करता है तो 14 होता है शॉर्ट सर्किट का, आउटपुट में जो है आपको शॉर्ट दिया होगा। जैसे मैं आप वहाँ पे डिस्प्ले पे भी जब आपको होगा यहाँ पे, जैसे मैं आउटपुट के साइड में, तो यहाँ पे आएगा आपको शॉर्ट टाइप का, ठीक है। तो वो शॉर्ट हो जाएगा तो उसको भी हम लोग को ध्यान देना रहेगा। वैसे ही आपको आ जाएगा 27 नंबर, ठीक है। मान लीजिए 27 नंबर यहाँ पे आपको अलार्म आ गया, तो 27 नंबर अलार्म जो होता है बैटरी वोल्टेज जो होता है बहुत ही हाई है, 27 मींस जो बैटरी का वोल्टेज आएगा उस समय बहुत हाई हो जाएगा, इसके वजह से भी आपको जो यहाँ पे अलार्म 27 आता है। और बैटरी मान लीजिए पूरा लो हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लो होगा तो उस कंडीशन में जो अलार्म आएगा वो आ जाएगा 28, ठीक है। 27 हाई के लिए है और 20 जो 8 है वो बैटरी लो के लिए है। वैसे ही अलार्म आ जाएगा 41 जो आएगा तो उस समय टेम्परेचर जो है आपका जो है हाई हो जाएगा इस UPS के लिए, इसलिए क्या आएगा उस समय 41 आएगा। वैसे ही अलार्म आ जाएगा 43 जब अलार्म आएगा तो उस समय जो रहेगा वो हो जाएगा ओवरलोड का। अब इस सब का मतलब समझ रहे हैं, ओवरलोड होगा तो आपको लोड कम करना होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो उसको कूलिंग करना पड़ेगा, बैटरी मतलब ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उसको कम करना पड़ेगा, लो हो जाएगा तो उसको चार्ज करना पड़ेगा, इन्वर्टर का आउटपुट में जो है 14 जो है वो अगर आ जाता है उस कंडीशन में, मीन्स 14 जो है उस समय आता है तो उस समय जो शॉर्ट है आउटपुट में उसको शॉर्ट को हटाना पड़ेगा, मीन्स आउटपुट सारा निकालना पड़ेगा उस समय, उस चीज़ों को आपको चेक करके देखना है। अगर इन्वर्टर का वोल्टेज वेरी लो, बहुत ही लो है मान लीजिए, तो उस समय जो आएगा आपका 13 आएगा, 13 आएगा अलार्म, वैसा ही बहुत सारा अलार्म है जो जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आता है, 4 भी आता है, 11 आता है, 12 भी आता है, ठीक है। तो उस अलार्म का सॉल्व आप कर सकते हैं अगर अलार्म का आपको पता हो तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।